छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के माखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पीहदी गांव में बोरवेल में गिरे राहुल की सकुशल रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर से वास्तुस्थिति की जानकारी ली और बच्चे के पिता लालाराम साहू से भी चर्चा की। वहीं लालाराम साहू ने अपने घर के पीछे खुदे बोर को सुरक्षित रखने के लिए पहले कुछ इंतजाम खुद के द्वारा किया जाना बताया, लेकिन इस दुर्घटना का उन्हें जरा सा भी अंदेशा नहीं होने की बात कही। बच्चे के पिता ने मुख्यमंत्री से बच्चे को सकुशल वापस दिलाने की मांग की है। हाँ। नहीं लगे चाचा, लेकिन फिर भी एक घाव होता है। अच्छा। कुछ मदद कर दे चाचा। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के पिता को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और कलेक्टर किसी तरह की जरूरतों को दूर करने और बच्चे को सकुशल निकालने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा गुजरात से रोबोटिक रेस्क्यू एक्सपर्ट को भी पिहरीत गाँव में लाने की चर्चा की है। उनके निर्देशों के मुताबिक हम सभी चीज़ें हम प्राप्त कर पा रहे हैं समय पे। तो अभी फिर उन्होंने बच्चे के जो माता पिता जी हैं उनसे भी चर्चा की, उनका मनोबल भी बढ़ाया है और हम लोगों को निर्देश दिया है कि जिस चीज़ की जैसी भी ज़रूरत हो वो उपलब्ध कराई जाएगी और ये अभियान बच्चे के सकुशल वापस लाने तक कंटिन्यूसली जारी रखा जाए और जो भी एहतियाती उपाय हैं वो भी किए जाएँ। तो उनके निर्देश के हिसाब से सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हो रही हैं और हम लोग लगातार चीज़ों को मॉनिटर किए हुए हैं और हम बच्चे के माता पिता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निराश नहीं होने देंगे। बस आप लोग दुआ करिए। थैंक यू। सर आज बच्चे का मूवमेंट जी अभी तक बच्चे को मूवमेंट वगैरह कुछ? हाँ, बच्चे का मूवमेंट है और हम लगातार वीडियो के मार्फत जो कैमरा नीचे डाउन किया हुआ है उसे देख पा रहे हैं। बच्चा बीच में सिर भी निकालता है और उसके हाथ के मूवमेंट भी हम देख पा रहे हैं। तो सभी चीज़ें आशानुरूप हो रही हैं। थोड़ा गहराई ज़्यादा है इसलिए वक्त लग रहा है, बट उम्मीद है। सर किस पे किया जा रहा है? सर निकालने के लिए फोकस किस पे किया जा रहा है? फोकस हम दोनों पे पैरेलल कर रहे हैं क्योंकि दोनों गतिविधियां अपने आप में अलग अलग हैं। तो एक तरफ हम पैरेलल डिगिंग करके उसमें टनलिंग का भी काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो बाकी उपाय है वो भी कर रहे हैं। बच्चा हम मनाते हैं कि एक आध बार रिस्पॉन्ड करके चीज़ों को समझ के यदि वो रस्सी और बाकी पकड़ लेता है तो हम वहाँ से भी निकाल लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले गुजरात में एक रोबोट स्पेशलिस्ट हैं उनकी बात की थी और उनको वहाँ से यहाँ भेजने के लिए निर्देश दिया है और मैंने स्वयं उनसे बात किया है। उम्मीद करते हैं कि वो शाम तक यहाँ पहुँचेंगे और हमारी आशा है कि इस व्यवस्था को तो हम करें ही, बट उनके आने के पहले हम बच्चे को दूसरे तरीकों से भी सकुशल निकाल रहे हैं। कौन-कौन सी टीम और लगी रोबोट का काम कैसे काम होगा सर? वो रोबोट पहले काम किया गया? हाँ यस, जैसा बताया गया गुजरात में रोबोटिक इस सिस्टम से रेस्क्यू किया गया है तो ये बात है, एक्सपीरियंस्ड है। सर राहत दल में अभी और कौन कौन सी टीम लगी हुई? राहत दल में पूरी की पूरी जो टीम है NDRF की कटक से आई टीम लगी हुई है, NDRF की यहाँ स्टेट से आई टीम लगी हुई है, SDRF है, पुलिस प्रशासन है, होम गार्ड्स हैं, आर्मी के मेजर गौतम है जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, तमाम लोग इस पे लगे हुए हैं।